नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने वीडियो की बात करें। जैसा कि आपको पता है 2018 में जो आपका एग्जाम वीडियो का हुआ था वो कैंसिल हो गया था। अब 2022 ये अपना चल रहा है और 22 एंड में आपका, क्योंकि अभी कोई डेट तो नहीं है लेकिन आपकी एंड में या फिर आपकी 2023 के फर्स्ट मंथ में इसका एग्जाम हो सकता है। उसमें आपको पता है 50 नंबर की रीजनिंग आती है, एक बहुत लंबी लेवल होती है, क्योंकि 50 नंबर आपको पता है बहुत अच्छे नंबर होते हैं। और 50 नंबर प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आप पा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आपको पता है बहुत ही आसान इसमें होती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं, बाकी सब में क्या होता है, बाकी रीजनिंग तो आपकी आसान होती है, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे वो विषय आपके अंदर कमांड हो जाता है, यानी कि रीजनिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके अंदर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। रीजनिंग को एक बार पढ़ो लेकिन बार बार उसकी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग एक बार पढ़ी जाती है लेकिन उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं वही चीज़ है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग में कई सारे लॉजिक लगते हैं और लॉजिक अगर हमें आता है तो वो 5 सेकंड में आएगा, नहीं आता है तो आपको 5 मिनट भी भारी पड़ जाएंगे, आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। ये डिपेंड किस पर करता है, प्रैक्टिस पर करता है। तो 50 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जानी है तो हम क्या करेंगे, वो 50 नंबर प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण आप किस में देख सकते हैं, पेट में देख सकते हैं। मैंने पेट में पढ़ाना शुरू किया था और पेट में आपको पता है 5 नंबर की रीजनिंग आई थी और अपने क्लास से ही आई थी। अपने क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया था, क्लास में तो बहुत सारा पढ़ाया गया था, उससे भी कम लेवल का आया था। तो इसमें कोई भी हम तैयारी करते तो अपना लेवल एक एग्जाम के हिसाब से अपना लेवल थोड़ा उच्च रखते हैं, ठीक है। कि अगर एग्जामिनर लेवल को बढ़ाना भी चाहेगा तो उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता है। तो उसमें 5 में 5 क्वेश्चन जिन लोगों ने अगर क्लास को देखी होगी, फॉलो किया होगा, तो डेफिनेटली उसने 5 नंबर प्राप्त किए होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत करने वाले वीडियो के लिए। और साथ ही साथ आपको पता है वीडियो के साथ साथ और हम क्या देखने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें रीजनिंग आती हो, वीडियो के साथ में, जैसे आपको पता है यूपी पुलिस की अभी भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस के लिए भी काम करेगी, यूपीपी के लिए काम करेगी, यूपी पुलिस के साथ में अगर एसआई की बात करें एसआई में काम करेगी। साथ ही साथ आपको पता है एसएससी सीजीएल की बात करें या एफसीआई की बात करें या फिर हम किसकी बात करें या फिर हम बात करें वन दरोगा, आपको पता है वन दरोगा के फॉर्म शुरू हो गए, वहां पर पूछी जाएगी। तो ये याद रखना किसी भी वनडे एग्जाम में रीजनिंग, जहां पर रीजनिंग पूछा जाता है, ये क्लास उस हर एक अपनी भर्ती के लिए कंप्लीट रहेगी, ठीक है। लेकिन हम फोकस किस पर करेंगे, हम करेंगे वीडियो पर, लेकिन हर एक क्लास में, क्योंकि आपको पता है यही टॉपिक तो सब में होते हैं, टॉपिक तो सबके सेम ही होते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे हम पढ़ने वाले टॉपिक वाइज पढ़ने वाले, प्रैक्टिस सेट है ये, प्रैक्टिस सेट। और कैसा प्रैक्टिस, अभी मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स बाद में चलाएंगे, अभी शुरुआत में हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो आप क्या करेंगे टॉपिक वाइज से प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज मैंने पहला टॉपिक कौन सा लिया है, पहला टॉपिक लिया एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्यता होता है, ठीक है। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालॉगी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक लेटर एनालॉगी होती है, दूसरा नंबर एनालॉगी, तीसरे की हम बात करें तो याद रखना वर्ड एनालॉगी होती है, और लास्ट में क्या होता है फिगर एनालॉगी। यानी कि आपसे एनालॉगी में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, 4 टाइप से पूछे जाते हैं। लेटर के बाद में हम बात करें किसके, नंबर की बात करें, इसके बाद हम वर्ड की बात करें या फिर हम फिगर की बात करें। तो एनालॉगी में आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक टाइप को हम पढ़ेंगे। हम लेटर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, हम नंबर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, हम वर्ड से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ हम फिगर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में वर्ड से संबंधित देखने वाले हैं कि शब्दों पर आधारित कैसे आपसे एनालॉगी पूछी जाती है, हम उसकी आज बात करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हर एक क्लास में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, चारों टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब होता है पहले का संबंध जो दूसरे के साथ होता है वही तीसरे का संबंध किसके साथ होता है, ये आपको बताना होता है। यानी कि जब दो चीजों का रिलेशन दे रखा होगा, तीसरे का चौथे से पूछेगा, जो पहले दूसरे में रिलेशन होता है वही तीसरे और चौथे में बताना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है सुई का संबंध किससे, टाका से। सुई का संबंध किससे, टाका से। तो आपसे पूछा गया बताइए चाकू का संबंध किससे होगा, और इसके लिए चार विकल्प दे रखे हैं, ब्लेड से, मक्खन से, कट से है, सार के से है। तो आपको पता है सुई का काम क्या होता है, सुई का काम होता है टांका लगाना, ठीक उसी प्रकार से चाकू का काम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे चाकू का काम ब्लेड तो होगा नहीं, ब्लेड आप काट देंगे, चाकू से मक्खन का भी कोई रिलेशन नहीं बनता, सार नहीं बनता, लेकिन चाकू का काम क्या होता है, चाकू का काम होता है कट करना, काटना होता है। तो जिस प्रकार से सुई से टांका लगाते हैं उसी प्रकार से चाकू से क्या करेंगे, तो आप कहेंगे काटेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है पेट्रोल का संबंध किससे, गाड़ी से। यानी कि जो गाड़ी किससे चलती है, तो आप कहेंगे पेट्रोल, पेट्रोल के माध्यम से गाड़ी चलती है। ऐसे बिजली के माध्यम से क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है माल होगा, अंधेरा होगा, कक्ष होगा या बल्ब होगा। तो आप कहेंगे माल गलत है, अंधेरा भी गलत हो जाएगा, कक्ष भी गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, बल्ब। क्यों सही हो जाएगा, जिस प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार से बिजली आने पर हमारा बल्ब क्या होता है, जलता है, जलता है ना, तो इसका ये राइट हो जाएगा। हम बात करें अगले प्रश्न की, कवि का संबंध कविता से है, तो उसी प्रकार से मोची का संबंध किससे होगा। यानी कि कवि का काम क्या होता है, कविता को लिखना, इसका पेशा होता है। इसी प्रकार से मोची का काम क्या होता है, मांस से होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या मोजे से होता है, नहीं होता है। क्या कपड़े से होता है, नहीं होता है। मोची का काम क्या होता है, जूतों से संबंधित होता है, जूता ही सिलता है, ठीक है, जूते चप्पल से इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जिस प्रकार से कवि कविता लिखता है उसी प्रकार से मोची का काम क्या होता है, जूते से संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया लोहा को यदि एफ ई लिखा जाता है तो बताइए चांदी को आप क्या लिखेंगे। लोहा को यदि आप एफ ई लिखेंगे तो आप चांदी को क्या लिखेंगे। तो आपको पता है लोहे को हम क्या करते हैं, आयरन बोलते हैं। लोहे का ये क्या होता है, ये हमारा प्रतीक होता है। लोहे का प्रतीक क्या होता है, एफ ई होता है। इसी प्रकार से चांदी का प्रतीक क्या होता है, आप कहेंगे एन ए सोडियम का होता है, सीएल क्लोरिन का होता है, के पोटेशियम का होता है, चांदी का क्या होता है, एजी होता है। चांदी का क्या होता है, एजी होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मोनार्क का संबंध एनाकोंडा से, मोनार्क का संबंध किससे, एनाकोंडा से। ऐसे कोबरा का संबंध किससे होगा, तो आप याद रखेंगे कोबरा का संबंध रॉयल से नहीं होता है, क्वीन से नहीं होता है। किसका संबंध किससे होता है, वेनम से होता है। किससे होता है, वेनम से होता है, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कोबरा का संबंध किससे होगा, तो आप कहेंगे कोबरा का संबंध हो जाएगा किससे, कोबरा का संबंध हो जाएगा किससे, क्वीन से होगा। किससे होगा, क्वीन से होगा, याद रखेंगे किससे हो जाएगा, क्वीन से हो जाएगा, वेनम नहीं होगा। याद रखना मोनार का संबंध जो एनाकोंडा से होता है उसी प्रकार से कोबरा का संबंध किससे होता है, तो आप कहेंगे क्वीन से होता है, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु से। यानी कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे जब आप इसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, तो जीव विज्ञान का संबंध किससे होगा, अणु से होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ये तो केमिस्ट्री में आता है, ये तो हो नहीं सकता है, न्यूरॉन भी नहीं होगा। सेल यानी कि कोशिकाएं, तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन कोशिकाओं। यानी कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से केमिस्ट्री में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम बायोलॉजी में सेल के बारे में इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है पृथ्वी नीला और तो मंगल कैसा होगा। नहीं, आपको पता है पृथ्वी एक हमारी क्या है, ग्रह है, और पृथ्वी कैसी ग्रह, तो आप कहेंगे पृथ्वी एक नीली ग्रह, ठीक उसी प्रकार से मंगल कैसा ग्रह होगा, पीला होगा, नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा, काला भी नहीं होगा। मंगल कैसा ग्रह, तो आप कहेंगे मंगल एक लाल ग्रह है। मंगल कैसा ग्रह है, तो आप कहेंगे मंगल एक लाल ग्रह है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि चावल का संबंध जो कार्बोहाइड्रेट से है, चावल का संबंध जो कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार से आपको बता रहे अंकुरित का संबंध किससे होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। जब चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसे अंकुरित, अंकुरित का मतलब जानते होंगे, जैसे अंकुरित दाल खाते हैं, आपने सुना होगा कि अंकुरित मूंग खाई जाती है और अंकुरित चने भी खाते हैं। तो अंकुरित से चने से मिलता है क्या, हमें चने से हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, उस चने से हमें क्या मिलता है, तो याद रखेंगे क्या, जल मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
ऊष्मा नहीं मिलेगी, वसा नहीं मिलेगा, याद रखेंगे प्रोटीन मिलता है। जब चने चबाते हैं या फिर मूंग की दाल जो होती है, मूंग को भिगो देते हैं, उससे जो अंकुरित करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे जिस प्रकार से चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रोटीन से हो जाएगा। यानी एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी में आपको सारी चीजें आप याद होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें हर एक टाइप को टच किया जाता है, स्टैटिक जीके इसमें पूरी पूछी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा टॉपिक किस पर आधारित है, ये हमारा आधारित है किस पर, जीके जीएस पर, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको ये तो पता होगा एनालॉगी की हम बात करें, किसी भी अगर हम उसकी बात करें, वैकेंसी की बात करें या किसी भी भर्ती की बात करें, एनालॉगी की क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और इनकी संख्या 3 से 4 भी बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, शुरुआत हम इसी से करेंगे। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन 9 का संबंध किससे है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 8 हो गए, 9 की बात करेंगे, लेकिन माता का संबंध जैसे बच्चा से है, माता, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, माता का रिलेशन किससे है, माता का रिलेशन बच्चा से है, माता का रिलेशन बच्चा से, उसी प्रकार आपको बताना है, क्या आपको बताना है, बादल का संबंध किससे होगा, बादल का संबंध किससे होगा। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका बारिश, बिजली, पानी, बारिश, बारिश के बाद में बिजली, बिजली के बाद में पानी, पानी और पानी के बाद में क्या दे रखा है, पानी के बाद में सफेद दे रखा है, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर में लिखा है भारत रुपया तो जापान क्या, भारत रुपया तो जापान क्या, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एन, डॉलर और फ्रैंक रैंड, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, लिखा है गौरैया दाना रेशम का कीड़ा, गौरैया दाना तो रेशम का कीड़ा क्या, रेशम का कीड़ा क्या, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, इसके लिए हमारे पास दे रखा है मैपल पाइन मलबरी, मैपल पाइन मलबरी, मलबरी और सल्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कार जूल तो पावर क्या, कार का जूल है तो आपको बताना है पावर का क्या होगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, ओम वाट बोल्ट और शक्ति, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है माता का संबंध जो बच्चा से, उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे होगा, तो याद रखेंगे माता से बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से बादल से किसका जन्म होता है, क्या बिजली का जन्म होता है, गलत हो जाएगा, क्या पानी का जन्म होता है, सफेद का नहीं होता है, किसका होता है, बारिश का संबंध है। जिस प्रकार से माता से बच्चा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से बादल से किसकी प्राप्ति होती है, बारिश की प्राप्ति होती है, ठीक है, किसकी प्राप्ति होती है, तो आप कहेंगे बारिश की प्राप्ति होती है। बात करेंगे भारत का संबंध रुपया से, तो बताइए जापान का संबंध किससे होगा, तो आपको अच्छे से पता है भारत की करेंसी यानी कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है, इसी प्रकार से जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी को एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन, डॉलर होगा नहीं, फ्रैंक होगा नहीं, रेंड नहीं होगा, क्या होगा, एन हो जाएगा। तो अपने यहाँ जैसे पैसे को हम रुपये बोलते हैं, मुद्रा को क्या बोलते हैं, रुपये बोलते हैं, ऐसे जापान में करेंसी को एन कहा जाता है, ठीक है।
गौरैया का संबंध जो दाना से, बताइए रेशम के कीड़े का संबंध किससे होगा? तो गौरैया क्या खाती है? तो आप कहेंगे दाना खाती है। जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा क्या खाता है? ऑप्शन में दे रखा है मैपल नहीं खाता है, पाइन नहीं खाता है, सल्क नहीं खाता है, ये मलबरी खाता है। क्या खाता है? मलबरी। मलबरी को हम शहतूत भी कहते हैं, ठीक है। मलबरी को क्या बोलते हैं? शहतूत कहते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा होता है ये क्या खाता है? शहतूत खाता है, या फिर मलबरी कह सकते हैं। बात हम करेंगे अगला प्रश्न हमारे पास है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार का संबंध जो जूल से दे रखा है, पावर का संबंध किससे होगा? तो आपको अच्छे से पता है कार का मात्रक, कार की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसी प्रकार से पावर की यूनिट क्या होती है? तो आप कहेंगे पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। बाकी सब गलत हो जाएंगे, ये किस में जाएगा? तो आप कहेंगे वाट में चला जाएगा, ठीक है। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? आप कहेंगे वाट हो जाएगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी कि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लेट से, वर्ड से संबंधित, हमें हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को टच करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें हमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, पहिया का संबंध तिल्ली से, तो पंखा का संबंध किससे होगा? पहिया का संबंध तिल्ली से, पहिया का संबंध किससे है? पहिया का संबंध तिल्ली से है, किससे? तिल्ली से है। तो आपको बताना है पंखा का संबंध आप किससे बताएंगे, पंखा का संबंध किससे बताएंगे। इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है चक्कर, हवा, पंख, मोटर। चक्कर, हवा, पंख, मोटर, मोटर, ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है, होटल मेन्यू तो पुस्तकालय क्या? होटल में मेन्यू होती है, होटल, होटल मेन्यू, होटल मेन्यू, तो आपको बताना है पुस्तकालय में क्या होगा? पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय में क्या? इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है किताब, सेल्फ, कैटलॉग, 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 किताब, सेल्फ और नन, चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है 16 नंबर में हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर, हाइग्रो जो मीटर है ये क्या करता है? आर्द्रता मापता है, आर्द्रता मापता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या? आपको ये बताना है कि बताइए बैरोमीटर का रिलेशन किससे होगा? बैरोमीटर, इसका बैरोमीटर का आपसे पूछा गया, ठीक है। लिखा है गति है, दाब होगा, गति होगा कि दाब होगा, या फिर तापमान होगा या धारा, तापमान या तो फिर धारा यानी कि करंट, इसमें आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जिस प्रकार से पहिया का संबंध किससे? तिल्ली से, तो बताइए पंखा का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है पहिए में क्या लगी होती है? तिल्ली लगी होती है। ऐसे पंखे में क्या होता है? चक्कर आता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। हवा की बात करें बिल्कुल गलत है, मोटर की बात करें गलत है। क्या होता है? पंख होते हैं। पंखे में क्या बंधे होते हैं? पंख बंधे होते हैं। होटल का संबंध मेन्यू से है, पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? तो आपको पता है जब आप होटल में जाते हैं तो सबसे पहले आप मेन्यू देखते हैं। मेन्यू का मतलब होता है होटल में जो भी सामान लेना होता है उसमें एक चार्ट बनाया जाता है कि कौन सा सामान कितने का प्राइस का है, तो उसको मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से होटल का अपने एक मेन्यू होता है, जैसे पुस्तकालय में आप जाते हैं तो इसमें लिखा होता है कौन सी पुस्तक कितने रुपए की, कितने प्राइस की है, उसे बोला क्या जाता है? उसे बोला जाता है कैटलॉग, बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे कैटलॉग बोला जाता है। तो होटल का जैसे मेन्यू होता है, ऐसे पुस्तकालय का क्या होता है? कैटलॉग होता है, ठीक है। बात करेंगे हाइग्रोमीटर का संबंध किससे, तो आप कहेंगे आर्द्रता, यानी कि हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को हम मापते हैं। तो बताइए बैरोमीटर में किसको हम किसको मापते हैं? तो याद रखेंगे बैरोमीटर में हम क्या नापते हैं? प्रेशर यानी कि दाब। क्या दाब नापते हैं? दाब नापते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर दाब आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या मापते हैं? तो आप कहेंगे इसमें हम मापते हैं दाब, मापते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चेहरा अभिव्यक्ति, चेहरा का रिलेशन किससे? अभिव्यक्ति, चेहरा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, चेहरा अभिव्यक्ति, तो आपको बताना है हाथ का संबंध किससे होगा? हाथ का संबंध किससे होगा? इसमें दे रखा इशारा से होगा, इशारा से होगा, या फिर हाथ मिलाना या चित्रकारी करना, हाथ मिलाना,
हाथ मिलाना, हाथ मिलाना के बाद में क्या लिखा है, चित्रकारी करना, क्या चित्रकारी करना, चित्रकारी करना, या फिर इसमें दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है कि काम करना, क्या दे रखा है, काम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 18 था, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है, जंगल चिड़ियाघर तो समुद्र क्या, जंगल का संबंध जैसे चिड़ियाघर से है, जंगल का संबंध किससे है, चिड़ियाघर से है, चिड़ियाघर से है, तो आपको बताना है समुद्र का संबंध किससे होगा, समुद्र का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, बंदरगाह पानी एक्वेरियम, बंदरगाह, बंदरगाह पानी एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम के बाद में फिर दे रखा है मछली, मछली, ठीक है। इसमें आपको बताना है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है चेहरा की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है, जैसे और हाथ का क्या होगा, यानी कि चेहरे जैसे हमें क्या करना होता है, चेहरे से क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्ति करना, चेहरे से भी हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि चेहरे के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हाथ से भी हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं, हाथ से हाथ मिलाएंगे नहीं, चित्रकारी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। आपको पहले का दूसरे से संबंध जो होता है वही तीसरे का चौथे से करना होता है। जैसे चेहरा से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, उसी प्रकार से हाथ से क्या करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं। जंगल का छोटा रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे चिड़ियाघर होता है। ऐसे समुद्र का छोटा रूप क्या होता है, समुद्र का छोटा रूप होता है एक्वेरियम होता है। आपको पता होगा एक्वेरियम क्या होता है, समुद्र का छोटा रूप होता है, जिसमें आप घर में मछलियों को और कछुए को रखते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जंगल का छोटा रूप क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, ऐसे बताइए समुद्र का छोटा रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्वेरियम होता है, ठीक है। जैसे घर में मछली पालते हैं उसे एक्वेरियम बोलते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है चार मीनार भारत में तो पिरामिड कहां पर है, चार मीनार भारत में है, चार मीनार ये कहां पर है, ये भारत में है, तो आपको बताना है पिरामिड कहां पर है, क्या आपको बताना है पिरामिड कहां पर है, पिरामिड, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिखा इसमें कनाडा यूएसए इंग्लैंड, कनाडा में है, यूएसए में है, जापान मान लेते हैं यहाँ पर जापान में है, या फिर मिस्र में है, या फिर मिस्र में, आपको बताना है कहाँ पर है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है हॉकी मैदान तो बैडमिंटन क्या, हॉकी, हॉकी का संबंध मैदान से है, तो आपको बता रहे हैं बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, बैडमिंटन, बैडमिंटन का रिलेशन आप किससे निकालेंगे, ठीक है। अखाड़ा से निकालेंगे, स्टेडियम से निकालेंगे, अखाड़ा, अखाड़ा स्टेडियम, अखाड़ा स्टेडियम, पिच या कोर्ट, पिच या फिर कोर्ट, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए आपको पता है चार मीनार कहां पर है, भारत में, आपको पता है चार मीनार भारत के हैदराबाद में, ठीक है। जैसे चार मीनार हमारे भारत में, ऐसे पिरामिड किस देश में, तो याद रखना पिरामिड कहां पर, मिस्र में है, कनाडा में है नहीं, यूएसए में है नहीं, जापान में है नहीं, कहां पर, मिस्र में। इसे मिस्र कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी इजिप्ट लिख के आता है, याद रखना मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। हॉकी का संबंध जैसे मैदान से, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा, आपको पता है हॉकी हम कहाँ खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, बैडमिंटन कहाँ पर खेलते हैं, क्या अखाड़े में खेलते हैं, नहीं, स्टेडियम में खेलते हैं, क्या नहीं खेलते, पिच में खेलते हैं, क्या नहीं खेलते, किस में खेलते हैं, तो आप कहेंगे कोर्ट में खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, यानी कि हर एक गेम का अपना एक फील्ड होता है, उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे क्रिकेट हम कहाँ खेलते हैं, आप कहेंगे पिच में खेलते हैं, ऐसे हॉकी मैदान में खेलते हैं, बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, तो आप कहेंगे बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं, याद रखना। अब इसमें आप स्टेडियम गलती से भी ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेडियम आप लगाएंगे तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जापान टोक्यो से है तो चीन का संबंध किससे होगा, जापान का संबंध किससे है, जापान का संबंध टोक्यो से है, किससे, टोक्यो से है, तो आपको बताना है चीन का संबंध किससे होगा, चीन का संबंध किससे होगा, ठीक है। और इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास है क्या, बास्केटबॉल में पांच है, अगला प्रश्न है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का संबंध पांच से है, तो आपको बताना है क्या, फुटबॉल का संबंध किससे होगा, फुटबॉल का संबंध, ठीक है। चलिए तो देखो इसके ऑप्शन देख लेते हैं,
जापान का टोक्यो, तो चीन का क्या? ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है बीजिंग हवाना, बीजिंग हवाना और ओस्लो, ओस्लो काठमांडू, काठमांडू। और इसमें दे रखा है बास्केटबॉल, इसमें दे रखा है 4, 11, 13 और 15, ठीक है इसमें दे रखा है। तो बताइए इसमें क्या रिलेशन आप निकालेंगे। तो आप कहेंगे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ऐसे चीन की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे चीन की राजधानी तो बीजिंग है। ऐसे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कहेंगे 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहेंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद है आज आपको आज की क्लास समझ आई होगी और मैंने कम समय में 22 से 23 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, ये हमारा जो सेशन चलेगा, ये वीडियो की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, एसआई की बात करें, सीजीएल की बात करें, या फिर हम बात करें वन दरोगा की, आपको पता है इसके फॉर्म अप्लाई यानी कि ऑनलाइन शुरू हो गए, उसकी बात करें, या फिर इंजीनियरिंग, जहां पर भी पूछी जाती है, ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए क्या रहेगी? बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से लेना है, प्रैक्टिस सेट। और ये टॉपिक वाइज और टाइप वाइज चलेगी, सबसे आसान है कि टॉपिक वाइज टाइप वाइज, इसके बाद में लास्ट में मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में और इसी टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।